Hello everyone, today I'm going to make my favorite black bean noodles jajang meon. And of course ये recipe मैंने K drama से सीखी है. K drama में हमने बहुत सारे series में jajang meon को देखा है. नीचे comment करके बता देना आपको कौन सी K drama series पसंद है. So हम recipe start करते हैं. इस recipe में मैंने zucchini, onion, cabbage, capsicum, cucumber, green onion, garlic और dry udon noodle का इस्तेमाल किया है. उडन नूडल मैंने अमेजोन से परचेज़ किए हैं. सारे लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. वेजेज़ हैं, आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो. अभी यहाँ पे हम ड्राई नूडल से उनको पकाएंगे. सेम प्रोसेस रहेगा. उबले हुए पानी में हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल आप डाल सकते हो और इसमें कुक करेंगे अच्छी तरह से. और कुक करने के बाद आपको इसे रिंस करना है, धोना है. इसके बाद थोड़े से ऑयल में पनीर को फ्राई करते रहना है. अच्छी तरह से इवनली इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे क्योंकि इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है. और सेम ऑयल में हमारा ब्लैक बीन जो पेस्ट हमने बनाई थी इसके पहले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, मैं दे दूंगी, वो पेस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे. पेस्ट को आपको अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करना है लगभग आधे से एक मिनट तक. मैं यहाँ पर सेम तवा यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मैंने इसको क्लीन किया है. वाइप आउट करेंगे. ये काफ़ी गर्म है तो ध्यान रखें अपने हाथों का. इसके बाद सेम तवे में हमने एक से दो चम्मच सेसमे ऑयल डाला है और इसमें गार्लिक और अनियन को ऐड करेंगे. गार्लिक और अनियन को आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए उतना ही हम इसमें फ्राई करते रहेंगे. लगभग इसे आधे से एक मिनट तक टाइम लगेगा. जैसे ही रॉ फ्लेवर निकल जाएगा हम हमारे जो सारी चॉप किए हुए वेजीज हैं उनको ऐड करेंगे. जैसे कि मैंने पहले कहा है, वेजीज है आपके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रंची और सॉफ्ट सब्जियों का इस्तेमाल किया है. आप इसमें आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो. इस वेजीज को हम एक से दो मिनट के लिए सौते करते रहेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर. जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी उसी दौरान हम इसमें दो से तीन चम्मच लाइट सोया सॉस यूज़ करेंगे. डार्क सोया सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस क्वांटिटी कम कीजिएगा. और दो चम्मच शुगर और जो हमने फ्राई की हुई पेस्ट है उसको ऐड करेंगे. और एक चम्मच गोजुगार पेस्ट यूज़ करेंगे जो हमने ऑलरेडी इसकी रेसिपी बनाई है. इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है. लगभग दो से तीन मिनट तक इसे टाइम लगेगा. अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा सभी इन्ग्रीडियंट्स के साथ. अभी पनीर को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. अभी ये कम्प्लीटली अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है. एक चम्मच कॉर्नस्टार्च और दो चम्मच वाटर पानी का इस्तेमाल करके इसे मिक्स करके हमारी जो सब्जियां हैं उसमें ऐड करेंगे. और इसे कंटिन्यूसली सौते करते रहेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे जब तक ये थीक सॉस में कन्वर्ट नहीं हो जाता. अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो कॉर्नस्टार्च एक्स्ट्रा यूज़ कीजिएगा. अभी ये हमारा सॉस रेडी हो चुका है. ये उडन नूडल्स है जिसे रिंस करके हम बाउल में ले लेंगे. और रिक्वायरमेंट के अनुसार आप सॉस ऐड कर सकते हो. और टॉपिंग्स के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन अनियन, रोस्टेड सेसमे सीड्स और ककड़ी. ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है. ये प्योर वेजिटेरियन रेसिपी है. ऑनलाइन ऑर्डर से काफ़ी अच्छी रेसिपी है. आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा. और इस सॉस को नूडल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे इंजॉय करेंगे. आई होप आपको रेसिपी पसंद आई हो. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू.